अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरकेजे। दोस्तों मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के करम से फिट फाट, और उम्मीद यही है कि आप लोग भी फिट फाट होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, वर्कआउट के लिए हम जिम आ चुके हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद आज जो हमारा डे है मंडे है, मंडे आलमी तौर पर चेस्ट डे होता है, आज हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ वर्कआउट शेयर करेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज किस किस क्वांटिटी में किस तरह से आपने परफॉर्म करनी है। आपने बिल्कुल एंगल को फॉलो करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी हम इसी चीज़ को बोलते हैं। क्वालिटी मीन कि आपने एंगल देखना है, और क्वांटिटी जो हम रेप्स आपको बताते हैं उसे आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, और चेस्ट की डिप्स के वार्म अप के लिए 3-4 आप 20-20-15-15 रेप्स के सेट लगाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चेस्ट। अच्छा व्यूअर्स, आफ्टर वार्म अप हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेंच प्रेस है। बेंच प्रेस हम परफॉर्म करेंगे बारबल पर, 4 सेट्स हम इसके परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी मिनिमम 10 मैक्सिमम 12। अच्छा इसमें आपने एक चीज देखनी है कि जब आप बेंच पे लेटेंगे आप अच्छे से अपने जो पैर है वो सेट करेंगे, और आप अपनी लोअर बैक में एक आर्च बनाएंगे, और बड़े कंट्रोल वे में इसे आपने परफॉर्म करना है, तभी आपकी बॉडी जो है वो असल रिस्पॉन्ड करेगी अगर आपका एंगल अच्छा होगा। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो डंबल बेंच प्रेस है। डंबल बेंच प्रेस हम परफॉर्म करेंगे बड़े कंट्रोल वे में, 4 हम इसके सेट्स लगाएंगे, और रेप्स होंगी हमारी 10-12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो डंबल फ्लाई है। बेंच फ्लाई करेंगे हम इसे, इसके हमारे 4 सेट्स होंगे, रेप्स होंगी आपकी 10-12। कंट्रोल वे में आपने करना है, स्लोली आप इसे परफॉर्म करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी और जर्क के साथ आपने इसे नहीं परफॉर्म करना। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन डंबल प्रेस है। इंक्लाइन डंबल प्रेस के भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10-12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन मशीन प्रेस है। हमारे इस जिम में इंक्लाइन मशीन प्रेस जो मशीन है वो वहां पर अवेलेबल नहीं, तो हम इसकी इंक्लाइन बारबल प्रेस से हम इसे परफॉर्म करेंगे, 4 सेट, रैप्स होंगी 10-12। अगर आपके जिम में इंक्लाइन मशीन प्रेस है तो आप इंक्लाइन मशीन प्रेस से 4 सेट 10-12 रैप्स करें, अगर नहीं है तो इंक्लाइन बारबल प्रेस जो नॉर्मल इंक्लाइंड होती है मैनुअली उस पर आप 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रैप्स होंगी 10-12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन डंबल फ्लाई है। कंट्रोल वे में आप इसे परफॉर्म करेंगे। देखिए हम बार बार कंट्रोल वे इसी सेंस में कहते हैं कि बहुत ज्यादा वेट आप ना लें, अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा वेट ना लें, तो आपका जो कंट्रोल है वो रहेगा नहीं, जर्क आएगी और एक्सरसाइज आपकी सही परफॉर्म नहीं होगी। बॉडी बिल्डिंग जो है वो कंट्रोल की गेम है, और ये टोटल टेक्निकल है, इसमें वेट लिफ्टिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट उठाने से आपको फायदा होगा। जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़े आप वेट नहीं उठाएं। हम इसके 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10-12।
अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइंड बेंच केबल फ्लाई है। इंक्लाइंड पर हम केबल फ्लाई परफॉर्म करेंगे, 4 सेट हम इसके परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट और लास्ट हमारी चेस्ट की जो एक्सरसाइज है वो मशीन फ्लाई है। मशीन फ्लाई के भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। कंट्रोल वे में परफॉर्म करना है आपने। अच्छा व्यूवर्स, वर्कआउट आज आपने हमारा देखा, हमने आपके साथ जबरदस्त किस्म का चेस्ट का वर्कआउट शेयर किया। रिकैप हम आपको बता दें, हमने सबसे पहले वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की है, उसके बाद हमने 10 से 12 मिनट का ट्रेडमिल किया है, वॉक जॉग, और उसके बाद हमने अपने चेस्ट का जो आपके साथ वर्कआउट शेयर किया है। देखें, हम जो आपको वर्कआउट बताते हैं आपने उसको उसी एंगल के साथ उसी सिक्वेंस में लगाना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना। जो हम सेटिंग आपको बताते हैं वर्कआउट की, आपने सेम, देखें वर्कआउट वही रहते हैं, यानी कि मशीनें वही हैं, एक्सरसाइज वही हैं, लेकिन आपने उसको सेट करना होता है कि आपने किस मसल्स को आप आज हिट कर रहे हैं। अगर आप चेस्ट का कर रहे हैं उसके लोअर को हिट कर रहे हैं, मिडिल को, अपर को हिट कर रहे हैं, ये चीज आपने देखनी होती है, उसी हिसाब से हम एक्सरसाइज को डिवाइड करते हैं। अच्छा, आफ्टर चेस्ट वर्कआउट हमने फोरआर्म्स किया। जैसे हम आपको बताते हैं कि फोरआर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेग इंपॉर्टेंट है ऐसे फोरआर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर चीज को लिफ्ट करने में आपके आर्म्स यूज होते हैं, तो आर्म्स की हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं। आर्म्स का हमने किया, आर्म्स के बाद हमने ट्रेडमिल किया है 20 मिनट का वॉक जॉग। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज सिंपल करके बता देता हूँ। जैसे लोग अक्सर कहते यार आप कैलकुलेशन बताते हैं कैलोरीज की, कैसे डेफिसिट में कैसे जाएगा और ये कैसे जाएगा, अगर आप उससे बचना चाहते हैं आप नहीं समझते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कैलकुलेशन इस तरह की नहीं आती या वो नहीं कर सकते, उनको मैं सिंपल एक फार्मूला बता देता हूं। देखें, ये हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप तीन हिस्सों, यानी कि अगर आपके खाना जो नाको नाक भरते हैं, फुल भर देते हैं, आप एक हिस्सा छोड़ें, यानी कि भूख बाकी रहनी चाहिए तब आप खाना छोड़ दें, और खाने की आपकी टाइमिंग होनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट आपका अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, आप बिफोर 10 AM आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने लंच अपना बिफोर 2 PM 3 PM आपने लंच कर लेना है, डिनर की आपने कोशिश करनी है बिफोर 8 PM आपने अपना डिनर ख़त्म कर लेना। इसके बीच में जो स्नैक्स चलते हैं वो आप डाइट वाले स्नैक्स लेंगे, यानी कि जो भी चीज़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बर्गर पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आप पढ़ें। अगर आप इस तरह की जो हम आपको डाइट बताते हैं आप इसे कैलकुलेट अगर नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ अपनी भूख को बाकी रहने दें और हेल्दी फूड खाएं। बाहर के लोग ये समझते हैं कि बाहर का खाना नुकसानदेह है और अगर हम बारबेक्यू वगैरह खाएंगे तो वो नुकसानदेह नहीं है, तो ये कतन उनकी खुशफहमी है। देखें, जब आप खाने का टेस्ट देखते हैं ना, जब जहाँ टेस्ट होगा वहाँ क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। आप बात को समझें कि जो टेस्ट डिवेल्प करते हैं ये, उसके अंदर कहीं पर भी हेल्दी वो नहीं होता। आप घर पे खाते हैं, घर में आप देखें जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप बाजार जैसा टेस्ट नहीं ला सकते। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज यूज होते हैं और वही हमारी बॉडी के लिए जहर हैं। मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ, अगर आप बाहर कोई ऐसी चीज भी खाते हैं जो बारबेक्यू या देखने में बाहर बहुत हेल्दी होता है, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी फूड बेशक आपके घर का कम जायके वाला नहीं भी है, लेकिन आपके लिए हेल्दी फूड वही है। आज की टिप्स हमारी यही थी। अपने भाई आर के जे को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।